डज साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू पास, पहले तो ये बोल रहा है क्या साउंड को किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए, क्या साउंड को किसी मीडियम की आवश्यकता है या बिना किसी मीडियम की वो ट्रेवल करती है। तो तुम्हें इसका आंसर प्रॉपर वैसे नोट्स में मिल जाएगा, तुमने देखा होगा मैंने बेल जार वगैरह बनवाया था और डायग्राम भी बनवा रखा है इसके लिए, लेकिन 1 मार्क्स के हिसाब से या 2 मार्क्स के हिसाब से आंसर देना है, इतना कुछ नहीं बताना, वो तो मैंने 3-4 नंबर के हिसाब से लिखवा रखा है, तो इसके लिए जितनी बातें लिखनी जरूरी है वो तो मैं प्रॉपर लिखवा देता हूँ। पहले तो मुझे बताओ इसका आंसर यस होना चाहिए या नो, बताओ साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है ना, बिना मीडियम के साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करती, बताओ इस तरह का अगर मीडियम मिलेगा तो ही साउंड ट्रैवल करेगी। तो मैं मालूम है स्पेस में हमारे पास एयर वगैरह वाटर वगैरह कोई मीडियम नहीं होता, और यही वजह है कि वहां पर साउंड ट्रैवल नहीं करती है। तो वैक्यूम का मतलब है स्पेस, मतलब जहां पर कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, तो क्या साउंड ट्रैवल करेगी, तभी तो हम लोगों को एक दूसरे की बातें सुनाई नहीं देती स्पेस में। स्पेस क्योंकि क्या है, एक वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब बिल्कुल खाली है, कोई गैस नहीं है वहां पर। एक्सप्लोजन इन स्टीलर स्पेस, ध्यान रखना ये जो मैंने बोला है ना स्टीलर स्पेस, ये नॉर्मल स्पेस है, स्पेस मतलब अर्थ से बाहर, सोलर सिस्टम की जब बात करें तो अर्थ प्लैनेट से बाहर की बातें हो रही है। मुझे बताओ अगर अर्थ प्लैनेट से बाहर की कोई सी बात होगी वहां पे एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, धमाका, अगर वहां पर कोई धमाका होता है तो देखो लिखा है इज नॉट ऑडिबल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो वो ऑडिबल नहीं होता अर्थ के सर्फेस पर, ऑडिबल का मतलब उसे सुना नहीं जा सकता, ऑडिबल उसे कहते हैं जिन्हें सुना जाए, और नॉट ऑडिबल जिन्हें सुना ना जाए। तो मुझे बताओ अगर स्पेस में विस्फोट होता है, किसी तरह का धमाका होता है, तो क्या वो अर्थ पर सुनाई देता है, नहीं, क्यों, गिव रीजन, उसका रीजन देना है। तो मुझे बताओ अर्थ का जो कनेक्शन है स्पेस से वो एकमात्र मीडियम से ही है, बस मीडियम से, वो भी सिर्फ किससे, एयर से। लेकिन ध्यान रखना जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ जाएंगे मतलब स्पेस की तरफ जा रहे हैं, तो अर्थ का जो एयर का कनेक्शन है ना वो वीक होता चला जाता है, बल्कि हम बात करें एयर की पहली लेयर में ही ऑक्सीजन और गैसेस होती है, उससे ऊपर की लेयर में तो गैसेस ही नहीं होती है। तो तुम ये कह सकते हो नाम मात्र के लिए एयर का एक मीडियम प्रेजेंट होता है वहां पर, और अगर मीडियम ही नहीं है तो क्या हम सुन पाएंगे साउंड को, जितना मर्जी बड़ा धमाका होता रहे हमें कभी भी कुछ भी सुनाई नहीं देगा, हालांकि वहां पे मीडियम है लेकिन ना के बराबर है, वहां के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं लेकिन उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो साउंड को कैरी कर सके और हमें सुना सके, इतनी पावर नहीं है, यहाँ पर हमें प्रॉपर सुनाई देता है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा मीडियम है, लेकिन स्पेस से लेकर अर्थ तक का जो मीडियम है बहुत ही ज्यादा वीक है, यही वजह है कि हमें वहां के एक्सप्लोजन को सुनाई नहीं देता, मतलब किसी भी पार्टिकल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो साउंड को क्या कर पाए, कैरी, कोई सा भी पार्टिकल इनफ नहीं होता कि वो साउंड को कैरी कर सकता है, इतना काफी नहीं है हर एक पार्टिकल के लिए साउंड कैरी करना। अ बैट एमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, तुम्हें मैंने ये बात पहले बता दी थी कि ये जो चमगादड़ होते हैं बैट्स जो होते हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमें नहीं सुनाई देगी, और बता रखा है कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी दी है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं तीसरे पार्ट का, फ्रीक्वेंसी दी है 30 किलो हर्ट्स, मुझे बताओ किलो हर्ट्स में है ना, बाद में मैं इसे हर्ट्स में चेंज कर लूंगा, पहले देखते हैं 30 किलो हर्ट्स, इफ इट्स स्पीड इज 350 मीटर पर सेकंड, मुझे बताओ वेव की स्पीड कितनी दे रखी है, मतलब देखो इफ इट्स स्पीड इज 350 मीटर पर सेकंड, तुम सोच रहे होंगे ये स्पीड चमगादड़ की है या साउंड की है, ये कैसे पता चलेगा, ध्यान रखो 1 सेकंड में 350 मीटर, 1 सेकंड में चमगादड़ उड़ पाएगा, नहीं उड़ सकता, चमगादड़ है जादूगर नहीं है जो यहां से वहां पे पहुंच गया 1 सेकंड के अंदर, ऐसा नहीं होता, 350 मीटर बहुत होते हैं, इतनी तेजी से तो केवल क्या ट्रेवल कर सकती है, साउंड जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये स्पीड दे रखी है साउंड की, तो लिखो स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी है 350 मीटर पर सेकेंड, एंड बैट्स हियर इट्स इको आफ्टर टाइम कितना दिया है 0.6 सेकेंड, मतलब जो आवाज है जो चमगादड़ प्रोड्यूस कर रहा है ना उसको अपनी आवाज की गूंज कितने समय बाद सुनाई देती है 0.6 सेकंड बाद, हम तो सुन ही नहीं पाते लेकिन वो अपने द्वारा बनाई गई आवाज को गूंज कितनी सेकंड में सुनाई कर पा रहा है 0.6 सेकंड के बाद, ध्यान रखना 1 सेकंड बाद भी नहीं सिर्फ 0.6 सेकंड बाद सुन पा रहा है। फाइंड हाउ फार इज बैट फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है उसकी साउंड जहां तक टकरा रही है, ठीक है, ये तो फॉरवर्ड लिखा हुआ है ना इस पर अंडरलाइन कर लो फार पे, एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो देखो पहले मैं वेवलेंथ निकालूंगा फिर बाद में निकालूंगा फार, ध्यान रखना इसमें बोल लगा है हाउ फार इज द बैट, बैट कितनी दूर है अपनी जो वो गूंज प्रोड्यूस कर रहा है ना जो ईको प्रोड्यूस कर रहा है उस साउंड की ईको से वो कितनी दूर है, फार का मतलब होता है दूर, ठीक है, आखिर वो कितनी दूर है, उसके बीच का क्या निकालना है हमें डिस्टेंस, देखो बैट और बैट के द्वारा प्रोड्यूस की गई ईको इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, कितने वो एक दूसरे से फार है, फार का मतलब डिस्टेंस, तो क्वेश्चन ने हमसे एक चीज और पूछी है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो मैं निकाल दूंगा, पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ वेवलेंथ, और वेवलेंथ का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, मैंने नोट्स के अंदर तुम्हें वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखवा रखा है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला पहली बात तो ये कि वेवलेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं, लेमडा से,
इसको क्या बोला जाता है, लैम्डा। और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड अपॉन में फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन में फ्रीक्वेंसी। मुझे तो मालूम है स्पीड जो होती है साउंड की, साउंड वेव की, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी वी से, लेकिन डिजाइन वाला इस तरह का वी होना चाहिए। तो मुझे बताओ साउंड की स्पीड कितनी दे रखी है, 350, 350 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी दे, किलो हर्ट्स। एक काम करो, इसे किलो हर्ट्स से बदल दो, इसको से केवल हर्ट्स में कन्वर्ट करना है। मुझे बताओ 1 किलो में कितने हर्ट्स होते हैं, 1000 हर्ट्स होते हैं ना। देखो 1 किलो को, 1 किलो हर्ट्स को हर्ट्स में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, 1000 से। तो मुझे बताओ 30,000 हो जाएगा ना, ये हो गया 30,000, लेकिन अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है, सिर्फ हर्ट्स में। तो देखो 30,000 हर्ट्स, तुम सोचोगे कितना टिपिकल सा हो गया, अभी देखो कितना आसान हो जाएगा ये। देखो लैम्डा आ गया 350 अपॉन में 30,000। मुझे बताओ 30,000 के साथ 30 को तो ऐसे ही रहने दो, है ना, 30 को ऐसे ही रहने दो। ये जो तो 1,000 है ना, 1,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे बताओ 1,000 को ये लिख सकते हैं या नहीं, 10 की पावर 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है ना, 10 की पावर 3 लिख दो। ठीक है, अब देखो सिर्फ इतनी बातों का ध्यान रखो, जब भी कोई वैल्यू अपॉन में होती है ना पावर वाली, मान लो अपॉन में लिखा हुआ है 10 की पावर 5, तो ये बन जाता है 10 की पावर -5। जब अपॉन में लिखा हुआ है 10 की पावर 2, तो ये बन जाता है 10 की पावर -2। जब अपॉन में लिखा होता है 10 की पावर 10, तो ये बन जाता है 10 की पावर -10। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई अपॉन में लिखा होगा तो वो पावर कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। अब जरा गौर करो, अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो सबके साथ होता है ना, मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ 1 अपॉन में 10 की पावर 3, 1 अपॉन में 10 की पावर 5 क्या बन गया, 10 की पावर -5, 1 अपॉन में 10 की पावर 3 क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3। क्या रहेगा, सिर्फ 350 अपॉन में 30। तुम सोचोगे ऐसे क्यों कर रहा हूँ, आंसर तो वहां पे भी आ चुका है, ध्यान रखना आंसर तो यहाँ पर आ गया है, लेकिन फिजिक्स के अंदर थोड़ा तरीके से लिखा जाएगा, इसको पावर में लिखते हैं हमेशा। देखो अब सॉल्व कर दो, 0 से 0 कट गया, और ये डिवाइड करने के बाद आएगा 1.17, 10^-3 इनटू में लगाना मत भूलना, ठीक है। और ये वेवलेंथ आई है जो कि मीटर में होती है, तो इस वेवलेंथ को लगाना मत भूलना, 10^-3। हाँ नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस, तुम्हें याद होगा डिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हर एक बच्चे को पहले से याद होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है। स्पीड कितनी दे रखी है, देखो ये रही 350, और टाइम कितना लग रहा था उसे, ये रहा 0.6, मल्टीप्लाई दे देना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई देने के बाद कंप्लीट आंसर आएगा 210, डिस्टेंस आ गया 210। सोनर व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग, एक्सप्लेन इट्स यूज। हाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये शायद मैंने करवाया भी नहीं है, तो इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करवाऊंगा। तो पहले तो ध्यान रखो, जो सोनर होता है, सोनर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, सोनर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी वेव प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब तुम सोच रहे हो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती है, तो इसके बारे में तो उन्होंने प्रॉपर लिखवा रखा है। मुझे बताओ अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या हम लोग सुन पाते हैं, नहीं ना। तो ध्यान रखना ये जो सोनर इंस्ट्रूमेंट होता है, ये शिप वगैरह जो होते हैं, जितने भी पानी के जहाज वगैरह होते हैं, उनके पीछे लगाया जाता है एंड में। इससे क्या यूज करते हैं, ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है पानी के अंदर, पानी के अंदर किसी भी तरह की बॉडी हो, कोई पत्थर हो, कोई समरी हो, समरीन हो, या कोई सा भी जहाज वगैरह अंदर फंस गया हो, या कोई इंसान फंस गया हो, तो उसका पता लगाने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, पानी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है, और जब वो अल्ट्रासोनिक वेव्स उससे ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो अल्ट्रासोनिक वेव से टकराने के बाद वापस आती है, और उसके बेस पर सोनर क्या कैलकुलेट कर लेता है, डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस है, क्योंकि टाइम के हिसाब से क्या निकल आता है, डिस्टेंस। टाइम के हिसाब से सोनर, टाइम के हिसाब से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस। ऐसा हम तब करते हैं जहां पर इंसान इतनी आसानी से पहुंच नहीं पाते, ऐसी जगह जहां पर इंसान ना पहुंच पाए वहां पर इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो रफली अंदाजा लगा लिया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट पर। तो मुझे बताओ ये कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। और ये क्या करता है, अगर पानी के अंदर किसी भी तरह की रॉक्स है, या सबमरीन्स हैं, या वाटर बॉडी है, या कोई फंस गया है, किसी का भी पता लगाना हो, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है, और जब वो अल्ट्रासोनिक वेव उस किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है तो वापस आती है, और उस हिसाब से ये क्या कैलकुलेट कर लेता है, डिस्टेंस, की कितनी दूरी पर है। मान लो नीचे किसी का खजाना दफन है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितनी गहराई में है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करेगा, और जब वो उससे टकराएगी और जितनी देर में वापस आएगी, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि लगभग कितना नीचे वो खजाना है। तो अब देखना ये है किस प्रिंसिपल के बेस पर काम करता है, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी है, एक तो डेफिनेशन, प्रिंसिपल और यूजेस। प्रिंसिपल का मतलब होता है इसका क्या तरीका है, ये कैसे काम करता है, तो तरीका मैंने बता दिया है। ये कौन सी वेव प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, और वो वेव्स नीचे तक जाती है पानी में, और किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, और टकराने के बाद वापिस आती है,
और इतने में हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस पता चल जाता है, ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अब यूजेस लिख लो। यूजेस समझ में आ गए होंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैंने बता ही दिया था। एक सब हेडिंग और बना देना यूजेस, तो यूजेस लिख लो हम कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की जांच पड़ताल करनी हो पानी के अंदर तो हम इसी की सहायता से करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम, पहले एक काम करते हैं डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बहुत बढ़िया है। मुझे बताओ इसके अंदर लिखा हुआ है 20 रिपल है, रिपल समझते हो, ये जो है ना रिफ्लेक्शन, इस तरह से साउंड वेव जो बनी हुई इन्हें बोलते हैं रिपल, ऑस्किलेशन भी बोलते हैं इन्हें। इस तरह से ये जो होते हैं ये होते हैं रिपल्स, मतलब ऑस्किलेशंस। तो देखो इसमें क्या लिखा भाई, ऐसे कितने रिपल है, 20। मतलब 20 तो खैर नहीं बनाए, क्योंकि 20 बनाएंगे तो फिर तो वही बनाते रह जाएंगे। इन्होंने कितने बना के दिखा रखे हैं, केवल एक। ठीक है, लेकिन इस तरह से कितने हैं, 20 है पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितने रिपल्स हो जाते हैं, 20 सेकंड। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, सबसे फर्स्ट पार्ट में जो पूछा है पहले मैं वो कैलकुलेट करूंगा। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है, फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करेंगे। 20 रिपल है पर सेकंड, जब भी ये वर्ड लगा होगा ना पर सेकंड, किसी भी क्वेश्चन में जब हमें उन्होंने क्या बात बताई है पर सेकंड के हिसाब से, तो ध्यान रखना ये फ्रीक्वेंसी ही होती है। पर सेकंड में वो कितने ऑस्किलेशन कर रहा है, 20, तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी हमारी बिना सोल्व करे फाइंड आउट हो गई 20। अगर वो कहता 25 रिपल है पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती, 25। 1 सेकंड में कितना ऑस्किलेशन होता है, यही तो होती है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि जो मिनट हैंड होती है वो 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट करेगी, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो पर सेकंड के अकॉर्डिंग सोचना है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ मैं 1 सेकंड में इसमें 5 बार बीट करता हूँ, 1 सेकंड में 5 बार बीट करता हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब हम 1 सेकंड में कितना कितनी बार काम करते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका एक चीज और पूछी थी शायद, तो देखो सेकंड पार्ट में पूछा है वेवलेंथ। सेकेंड पार्ट में उसने हमसे एक चीज और पूछी है वेवलेंथ, तो तुम्हें मालूम होगा वेवलेंथ का मतलब क्या होता है। वेवलेंथ का मतलब होता है दो, अगर तुम्हें याद हो ग्राफ के बारे में, तुम्हें मैंने ग्राफ बनाने सिखाए थे, मैंने शायद ऐसे बना रखे हैं, जो नोट्स बनवाया है उसमें मैंने ग्राफ ऐसे बनवा रखे हैं ना, इसी तरह से तो बनवाए। तो देखो मैंने बताया था दो क्रेस्ट के बीच का गैप या दो ट्रफ के बीच का गैप क्या होता है, वेवलेंथ। ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने बताया था ना, देखो दो क्रेस्ट के बीच का और दो ट्रफ के बीच का गैप क्या कहलाता है, वेवलेंथ। यही तो होती है वेवलेंथ। अब देखो फाइंड आउट कर लो कितनी है, मुझे बताओ। ये तो इन्होंने कंप्लीट बनाई नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा सा बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये हो गई, अब जरा बोर्ड पे देखो, ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है वहां तक का, तो देखो इतना तो दिखाई दे रहा है कैमरे में कि मैं समझा सकूं। ये वाला पार्ट तो तुम्हें दिखाई दे ही रहा है, इससे आगे का नहीं दिखाई दे रहा। देखो यहां से लेकर यहां तक 15 है, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी कितना होगा, 15 ना। बोर्ड पे देखो यहां से लेकर यहां तक ये 15 है, तो ये गैप भी कितने का होगा, 15 का ही होगा। ठीक है, और बताओ दो क्रेस्ट के बीच का गैप, ये कंप्लीट क्या कहलाता है, वेवलेंथ। ये जो चोटी होती है ना ऊपर की ऊंचाई वाली चीज होती है, इन दो ऊंचाइयों के बीच का गैप कितना होता है, इन दोनों का एडिशन वेवलेंथ। तो लिख दो वेवलेंथ कितनी निकल आई, 15 और 15 30। तो देखो मीटर में था, सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में, तो 30 सेंटीमीटर की निकल आई है तुम्हारी वेवलेंथ। तीसरा पार्ट देखते हैं, तो देखो तीसरे पार्ट में हमसे पूछी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला तो मैंने बताया है। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, और स्पीड का मैंने बता रखा है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो देखो वेवलेंथ निकली है 30, फ्रीक्वेंसी है 20, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट लगाना मत भूलना, अगर तुम यूनिट नहीं लगाते हो तो कम से कम तुम्हारा एक नंबर गया। तो इस वाले पार्ट को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ये वेवलेंथ कैसे आई है 30। बस इतना ध्यान करो, जब मैं तुम्हें नोट्स में बताया था तो मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ के लिए ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, और ये मैंने बताया था इस तरह का ये जो बीच में गैप होता है ये होता है वेवलेंथ। चाहे ऊपर वाला गैप देख लो, चाहे ये नीचे वाला गैप देख लो, चाहे ये ऊपर वाला गैप देख लो, चाहे ये नीचे वाला गैप देख लो, वेवलेंथ ही होता है, और हमेशा सेम आता है ऊपर से भी नीचे से भी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो जरा उस बड़ी वाली फिगर में, उन्होंने बस हमें यहाँ से लेकर यहीं तक का तो डिस्टेंस दे रखा है, वही चीज नहीं दे दी। देखो यहाँ तक का डिस्टेंस दिया था, ये देखो ये दे रखा है, बस बस फर्क इतना, वो थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है ग्राफ। और देखो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 15, और ये कंप्लीट मिलेगा तो ये कंप्लीट क्या बनेगी, वेवलेंथ। तो 15 और 15, तो वेवलेंथ कितनी बन गई, 30। डिफाइन वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, तो देखो वेवलेंथ का तो मैंने बता रखी है डेफिनेशन, वैसे तुम्हें मालूम होगा वेवलेंथ मतलब दो क्रेस्ट के बीच का गैप। अगर मैं तुम्हें रफली डायग्राम बना के दिखाऊं इस तरह से, तो दो क्रेस्ट के बीच का, दो ट्रफ के बीच का गैप क्या कहलाता है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ तो तुम नोट से ही देख लेना, और बताओ ये डेफिनेशन बन गई, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ बन गई डेफिनेशन। एम्पलीट्यूड की लिख लो, तो ध्यान रखना ये जो होती है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी जा रही है, कभी एकदम से ऊपर, कभी एकदम से नीचे, कभी बराबर, इस तरह से।
कहने का मतलब ये कि एक वेवलेंथ मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगी और कितनी लोअर अटेंड करेगी, एक साउंड वेव कितनी मैक्सिमम जा सकती है, कितनी नीचे जा सकती है, कितना इस तरह से, ये होती है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, अ बैट एमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड, तो मैं अच्छे से मालूम है, मैंने नोट्स में प्रॉपर लिखवाया हुआ है कि ये जो बैट्स वगैरह होते हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं। कैसी फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासोनिक, जो हम नहीं सुन सकते क्योंकि हमारी रेंज इसके मुकाबले बहुत ही कम होती है, हमारी जो ऑडिबल रेंज होती है वो इनके मुकाबले बहुत ही कम होती है, हम नहीं सुन सकते। अ बैट एमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्स, तो मुझे बताओ जो बैट ने फ्रीक्वेंसी निकाली है वो कितनी बता रखी है अभी फिलहाल। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी बताई गई है 1000 किलोहर्ट्स। मुझे बताओ 1 किलो में कितने हर्ट्स होते हैं, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। 1 किलो हर्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें होते हैं 1000 हर्ट्स, 1 किलो हर्ट्स के अंदर 1000 हर्ट्स। मुझे बताओ, अब बोर्ड पे देखो, ये पहले से 1000 किलो हर्ट्स है, 1000 तो ऐसे ही रहने दो, 1 किलो की जगह मैं कितने पुट कर सकता हूँ, 1000 ना। बोर्ड पे देखो 1 किलो हर्ट्स के अंदर कितने होते हैं, 1000 हर्ट्स, मतलब 1 किलो को 1000 हर्ट्स में, 1 किलो हर्ट्स को हर्ट्स में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, 1000 से। तो बोर्ड पे देखो 1000 तो पहले से ही था, इस किलो के बदले 1000 और आ गया, 1000 तो पहले से ही था और किलो को हटाकर 1000 और आ गया, तो कितने हर्ट्स बन गए बताओ, 1 2 3 4 5 6, बताओ 6 0 है ना, कितने कितनी जीरो आएंगी, 6 0। तो देखो 6 0 ना लिखकर मैं 10 की पावर क्या लगा रहा हूँ, 6, जितनी जीरो होती है मैंने उसकी पावर लगा दी, कोई दिक्कत ही नहीं, पावर लगा दो, एक अच्छा तरीका है। देखो पहले ये क्वेश्चन में हमें किस में दिया गया था, किलो में, लेकिन अब क्या ये किलो में रही है फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी किस में बदल चुकी है, हर्ट्स में। तो ध्यान रखना किलो हर्ट्स से हमने किस में चेंज कर दिया इसको, हर्ट्स में, और हर्ट्स में चेंज करना बड़ी बात नहीं है, बस हमने कितने से मल्टीप्लाई दे दी, 1000 से। अब आगे देखते हैं, इफ हिज साउंड मीट्स वाटर सरफेस, मान लो कोई चमगादड़ है और वो इतनी फ्रिक्वेंसी वाली आवाज निकाल रहा था बार बार, ठीक है, कहीं दूर पेड़ वगैरह पे लटका हुआ होगा और वहां पर वो लटक कर मस्त आवाज निकाल रहा था, और कितनी फ्रिक्वेंसी की, कोई सुनने वाला नहीं था, इंसान क्यों भी सुन ही नहीं सकता, इसलिए दिल खोल कर निकाल रहा था। इफ हिज साउंड मीट्स वाटर सरफेस, और आगे की तरफ कोई नदी वगैरह होगी, तालाब वगैरह होगा, वहां पर जाकर इसकी साउंड टकरा रही थी, पानी की जो सतह होती है ना ऊपर, मान लो नदी की कोई सतह थी, इस पर वो साउंड आ रही थी और टकरा रही थी, इस तरह से वो साउंड पानी के सरफेस पर टकरा रही थी। देखो लिखा हुआ है, इफ हिज साउंड मीट्स वाटर सरफेस, अगर इसकी साउंड मिलती है वाटर सरफेस पर, मतलब कहां पर जाकर टकराती है, पानी की सतह पर, ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ, तो मुझे बताओ दो बातें होंगी ना, इसने जो भी साउंड प्रोड्यूस करी है वो साउंड की जो वेव है वो किससे टकराएगी, पानी से। एक बात तो ये होगी कि साउंड रिफ्लेक्ट कर जाएगी, भाई पानी है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, पानी में आने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसी तरह से साउंड का भी हिसाब होता है, एक साउंड की वेव कैसी होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और मुझे बताओ एक साउंड की वेव ऐसी होगी जो पानी के अंदर एंटर कर जाएगी, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, मैं तुम्हें लाइट वाले एग्जांपल से बताता हूँ, जब हम टॉर्च से या सनलाइट जो होती है वो पानी पर गिरती है, तो एक रिफ्लेक्शन तो तुम्हें दूसरी साइड दिखता है जो उससे टकरा के निकला है, और एक रिफ्लेक्शन पानी के अंदर दिखता है, यानी कि एक वेव तो ऐसी थी जो पानी के अंदर चली गई और एक वेव ऐसी है जो टकरा कर रिफ्लेक्ट करके निकल गई, दो बातें हो गई ना। फिर से देखो बोर्ड पे, किसी चमगादड़ ने साउंड प्रोड्यूस करी यहाँ पर, एक वेव तो देखो इस तरह से रिफ्लेक्ट करके निकल गई और एक वेव अंदर एंटर कर गई, ये जो अंदर एंटर करने वाली वेव है ना, मुझे बताओ इस वेव ने पानी के अंदर एंटर करा है, मतलब ट्रांसमिट हो गई, ट्रांसमिट का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ट्रांसमिट का क्या मतलब होता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है देखो, ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, पहले ये वेव कौन से मीडियम में थी, एयर में, बताओ बाहर क्या है, एयर है, पानी के बाहर क्या होता है, एयर होता है, एटमोस्फियर, और जैसी इससे टकराई और अंदर गई तो ये किस मीडियम में आ चुकी है, वाटर में, इसका मतलब ये जो वेव बनती है ना एंटर करने वाली, ये वेव कहलाती है ट्रांसमिटेड वेव, कौन सी वेव कहलाती है, ट्रांसमिटेड वेव, और ये जो रिफ्लेक्ट करके निकल गई है ये तुम्हें पहले से ही मालूम है, रिफ्लेक्टेड वेव, ये कौन सी वेव कहलाती है, रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। तो क्वेश्चन ने हमसे अब देखो क्या पूछा है, व्हाट, देखो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, बोर्ड पे देखो, एक तो इसकी वेवलेंथ बतानी है जो निकल रही है बाहर, रिफ्लेक्ट करके निकलने वाली, रिफ्लेक्ट करके निकलने वाली, ठीक है, देखो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, जो साउंड रिफ्लेक्ट करके निकली है एक तो उसकी वेवलेंथ पूछी है, और एक तो सेकंड पार्ट में भी पूछा है, ट्रांसमिटेड साउंड, मुझे बताओ रिफ्लेक्टेड तो ये थी ऊपर वाली और ट्रांसमिटेड ये थी ना नीचे वाली, दोनों की हमसे क्या पूछी है, वेवलेंथ, ठीक है, दोनों की हमसे क्या पूछी है, वेवलेंथ पूछी है। अब बोर्ड पे देखो जरा, ट्रांसमिटेड वेव एक तो इसकी वेवलेंथ पूछी है, रिफ्लेक्टेड वेव एक इसकी वेवलेंथ पूछी है, मुझे बताओ ये रिफ्लेक्टेड वेव है ये किसमें है, एयर में ना,
ये कौन से मीडियम में, रिफ्लेक्टेड वाली एयर में है अभी भी, लेकिन ये जो ट्रांसमिटेड है ये कौन से मीडियम में आ गई है, यहां पर कौन सा मीडियम हो गया है, वाटर। जो रिफ्लेक्टेड वेव थी वो तो अभी भी एयर में ही है, लेकिन जो ट्रांसमिट करके आई है वो कौन से मीडियम में एंटर कर चुकी है, वाटर में, इसलिए तो उसे बोला गया है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है जब कोई एक वेव अपना मीडियम बदलती है, एयर से ग्लास में एंटर करती है, ग्लास से वाटर में एंटर करती है, मतलब मीडियम बदलना चाहिए बस, तो वो वेव कौन सी कहलाती है, ट्रांसमिटेड। तुम सोच रहे होंगे मैं मीडियम पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, ध्यान रखना इन्होंने हमसे वेवलेंथ पूछी है ना, वेवलेंथ इसी तरीके से निकल सकती है, देखो बोर्ड पे देखना तब उतार लेना बाद में। इसका फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है ना इसके, रिफ्लेक्टेड साउंड की भी वेवलेंथ पूछी है और ट्रांसमिटेड वेव की भी, तो देखो बोर्ड पे वेवलेंथ पहले मैं पता है किसकी निकालूंगा, रिफ्लेक्टेड साउंड की। मुझे देखो फॉर्मूला बड़ा आसान है, फॉर्मूला बड़ा आसान है, देखो बोर्ड पे ऊपर लिखनी होती है उसकी स्पीड जिस मीडियम के लिए काम कर रहे होते हो, जिस मीडियम के लिए काम कर रहे होते हो, बताओ किस मीडियम के लिए काम कर रहे हैं पहले, रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए, और रिफ्लेक्टेड साउंड किस मीडियम में, एयर में, तो ध्यान रखना स्पीड इन एयर, एयर के अंदर कितनी स्पीड है, और नीचे लिखनी होती है तुम्हें फ्रीक्वेंसी, बताओ एयर के अंदर स्पीड बता रखी है ना क्वेश्चन में, देखो लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है वो इसमें देखो क्वेश्चन पेपर में, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड जो है साउंड की एयर में वो कितनी है, 340 लिखी हुई है ना, डाल दो 340, यूनिट डालनी जरूरी नहीं है, एंड में डाले करो यूनिट। फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले से ही, फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ, ये वाली डालूंगा, ये वाली ध्यान रखना, ये बनाइए तो ये डालूंगा, लिख दो 10 की पावर 6, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 340, तो देखो 10 की पावर 6, मैंने बताया था जब भी अपोन में किसी की पावर होती है, जब भी अपोन में किसी की भी पावर होती है तो वो पावर नेगेटिव बन जाती है, 10 की पावर 6 का क्या बन जाएगा, 10 की पावर -7 मीटर, ये बन गई वेवलेंथ। तुम सोच रहे होंगे मीटर क्यों लगा दिया, ध्यान रखना वेवलेंथ की यूनिट तुम्हें मीटर लगानी पड़ेगी, मीटर होती है क्योंकि, ठीक है। मान लो अगर ये होता 10 की पावर 8 तो मैं क्या लगाता, 10 की पावर -8, जब भी कोई पावर अपोन में होती है तो वो पावर क्या बन जाती है, नेगेटिव। एक और देखो, जब भी होगा x की पावर 5 तो क्या बन जाएगी, x की पावर -5, वो पावर क्या बन जाती है, नेगेटिव, ठीक है। ये तो आ गई रिफ्लेक्टेड, क्योंकि हम किस मीडियम के लिए काम कर रहे थे, एयर के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्टेड साउंड उसी मीडियम में है। अब दूसरे में पूछिए वेवलेंथ फिर से, लेकिन किस वेव की, ट्रांसमिटेड, और मुझे बताओ ट्रांसमिटेड वेव कौन से मीडियम में है, वाटर में है ना, देखो बोर्ड पे ट्रांसमिटेड वेव कौन से मीडियम के अंदर है, वाटर के अंदर है ट्रांसमिटेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव ऊपर है एयर में और ट्रांसमिटेड वेव नीचे है पानी में, तो ध्यान रखना स्पीड लेनी है उसमें वाटर में, स्पीड इन वाटर, और अपोन में हमेशा क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। ये वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, तुम्हें याद हो तो मैंने प्रॉपर नोट्स वगैरह में लिखवा रखा है वेवलेंथ का फॉर्मूला, जिस मीडियम में काम कर रहे हो उस मीडियम में स्पीड अपोन में फ्रीक्वेंसी। खैर वाटर के अंदर स्पीड हमें दे रखी है 1486, 1486 अपोन में, बताओ फ्रीक्वेंसी, तो वही डालेंगे फ्रीक्वेंसी डालेंगे 10 की पावर 6, ठीक है। तो इसको भी तुम अपोन में बना के कर देना, 1486 × 10 की पावर क्या बन जाएगी, 6 का क्या हो जाएगा, -6 मीटर। अब ये तुम्हारी आ गई है वेवलेंथ ट्रांसमिटेड वेव की।